हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आई एम जहूर फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल वालेंगू वोकेशनल ट्रेनर हम पढ़ रहे हैं बुक एम्प्लाइबिलिटी स्किल्स का चैप्टर नंबर टू जो कि है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स एंड जो टॉपिक है आज का टॉपिक नंबर एट वो है सेल्फ रेगुलेशन एंड गोल सेटिंग सेल्फ रेगुलेशन एंड गोल सेटिंग यानी आपको अपने आप को मैनेज करना आना चाहिए और अपनी मंजिल को जो तय करनी है उसका पता होना ज़रूरी है जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ इमेज में दिखाया है कि जैसे एक बंदा दो जो रास्ते पे इंटरसेक्शन पे खड़ा है अब ये डिसाइड करा कि मैं किस रास्ते जाऊँ अगर मेरी मंजिल इस रास्ते पे है तो मैं अपनी मंजिल को इस रास्ते से तय करके कामयाबी की तरफ जाऊँगा अगर आपको ये पता नहीं है कि आपकी मंजिल है क्या आपका गोल क्या है तो उसका मतलब है यू आर डायरेक्शन लेस एंड आप कुछ हासिल नहीं कर सकते अगर आपको अपनी गोल का पता नहीं है गोल लेस पीपल जो होते हैं उनका उनकी कोई जो है अचीवमेंट नहीं होती है ज़िंदगी में क्योंकि गोल का होना ज़रूरी है वी नीड सेट आर गोल टू अचीव समथिंग इन लाइफ एंड गोल सेटिंग गोल सेटिंग कैसे करनी है यहाँ पे मैं एज ए डेफिनेशन बताता हूँ गोल को सेट करना है तो आपको जो ड्रीम है आपकी एजेप्शन है एक जो है डेड तय करनी होगी अपनी मंजिल को पाने के लिए जो भी आपकी मतलब गोल हो उसको उसको जैसे आप स्टार्टिंग से लेके डेडलाइन एक दीजिए कि यहाँ ये इस डे तक या इस वक्त तक मैं ये अचीव कर करूँ करने की कोशिश करूँगा जैसे आपका मैं मानता हूँ कि आपकी कोई बुक है जैसे आईटी की बुक है आप सोचते हो कि नहीं ये इसकी एक मैं डेडलाइन रखूँगा कि मैं आईटी की बुक को प्रिपेयर करूँगा एक महीने में तो आप एक महीने में ही प्रिपेयर करने की कोशिश करिए ताकि आप अपनी गोल को अचीव कर पाए तो यहाँ पे गोल सेटिंग की एग्ज़ाम्पल मैंने दी है जैसे आपको मोबाइल लेना है तो ऐज़ स्टूडेंट आप क्या कर सकते हो आप अगर पॉकेट मनी मिलती है घर से तो पॉकेट मनी को आप सेव करिए और कोशिश करिए कि आप जिस टाइम पे आप मोबाइल ख़रीदना चाहते हो उसी टाइम पे खरीदिए ये एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल मैंने आपको यहाँ पे ताकि आप एक गोल सेट कर पाए और एक डेडलाइन सेट कर पाए तो यहाँ पे ये है कि अपनी मंजिल को पाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी मंजिल को इस तरह सेट करें एक डेड लाइन के अंडर अंडर ताकि हर काम वक्त पे हो तो इस तरह आप अपनी मंजिल को या अपनी गोल को सेट कर सकते हो या जो यहाँ पे मैंने या जो प्लानिंग है गोल की या आपको जो आपका जो मकसद है उसकी प्लानिंग करना उसको कैसे अचीव करें उसके लिए आप सेपरेट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करके आगे बढ़ सकते हैं और जो है सक्सेसफुली अपनी करियर को या पर्सनल लाइफ को जो है सक्सेसफुल uh, बना सकते हैं हाउ टू सेट गोल्स जैसे आप अपनी गोल जो मंजिल है वो उसको जो है डिसाइड करें कि कैसे अचीव करनी है बेहतरीन तरीका है कि आप जो मैंने पाँच पॉइंट यहाँ पे बताए हैं उनको एज अ रूल फॉलो करें तो आपकी गोल अच्छी तरह सेट हो पाएगी फर्स्ट है एस यानि स्मार्ट गोल जिसे हम कहेंगे यानी आप यहाँ से देख सकते हो एस एम ए आर टी स्मार्ट यानि एस फॉर स्पेसिफिक अपनी गोल की मंजिल की तरफ स्पेसिफिक रही है कि मुझे ये मंजिल हासिल करनी है ताकि आपको वही मंजिल जो है आपका टारगेट रहे एम फॉर मेजरेबल आपकी गोल जो है वो मेजरेबल होनी चाहिए ए फॉर अचीवेबल आपकी गोल जो है वो बियॉन्ड ना हो आपके पहुंच से ये है कि वो अचीव achie अचिवेबल होना चाहिए अगर थोड़ी मुश्किल भी है अगर आपको अगर मतलब लगता है कि इम्पॉसिबल है नहीं हो सकती तो वो ऐसा नहीं सोचना है पर अगर अचीवेबल है आपके रेंज में है तो वही गोल आप जो है उस पर गुजर रखिए और उसे अचीव करिए आरफॉल रियलिस्टिक यानी आप अपनी गोल में मुतिन रहिए डेडिकेटेड रहिए ताकि आप उसको हासिल करें एंड फॉर टाइमली अपनी मंजिल को वक्त पे हासिल करें यानी आज मतलब आपने ये सोचा मेरा एग्ज़ाम जो है दो महीनों तीन महीने के बाद है आप सो गए आपने जो है अपनी बुक्स की तरफ नहीं देखा तो ये क्या है टाइम निकलता जाएगा जो आपकी गोल थी कि मैं जो अपनी बुक्स की प्रप्रेशन इतनी देर में करूँगा और नहीं कर पाएंगे तो आगे आ, आपका रिजल्ट खराब हो सकता है तो बेसिकली आपको गोल सेट करनी है स्मार्ट गोल यानी जो मैंने यहाँ पॉइंट्स बताया एज पर स्पेसिफिक मेजरेबल ए फॉर अचीवेबल और फॉर रियलिस्टिक एंड टी फॉर टाइमली ये चीज़ों का ध्यान के आप एक अच्छी गोल को अपनी एक अच्छे मंजिल को हासिल कर सकते हैं अचीव कर सकते हैं दैट इज़ ऑल फॉर टुडे हैव अ ग्रेट डे अड